नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का पवित्र जल भी अयोध्या पहुंच गया है। इस बीच मां जानकी की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम से मिट्टी और जल के साथ 1151 पात्र के साथ संतों का दल जाएगा। बता दे, नौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास ने कहा है कि मां सीता की जन्मभूमि की मिट्टी और सीता कुंड का जल के अलावा फल, मिथिला का चूरा, दही, मखाना और भगवान के राम के परिवार के लिए कपड़े भेजे जाएंगे, जिनमें महाराज दशरथ, उनकी पत्नियों के लिए कपड़े और लवकुश के लिए भी कपड़े जाएंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी से सीता रसोई के लिए बर्तन जाना भी तय हुआ है। इसके अलावा 101 छोटी गाड़ी, दो ट्रक और एक बाजा के साथ यह यात्रा 13 जनवरी को सुबह 10 बजे नगर भ्रमण होते हुए गोपालगंज के रास्ते अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अभियान समिति के सदस्य भूषण दास ने बताया कि VHP अयोध्या कार्यालय से बात हो चुकी है। 13 जनवरी को यात्रा आरंभ होगी, जिसमें सीतामढ़ी के सीताराम भक्तों के द्वारा लगभग 500 की संख्या में सियाराम भक्त अयोध्या प्रस्थान करेंगे। अपने पाहुन के यहां घरवान की खुशी में उन्हें संदेश समर्पित करने जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी सीधा प्रसारण होगा। बता दें, देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी के संबोधन को बीजेपी देश भर के बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करने वाली है।